हेलो फ्रेंड, मैं तो लतुल कैट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हमारा वॉर्म गियर होता है उसके आरपीएम को हम कम ज़्यादा किस प्रकार से कर सकते हैं, खास करके जो आउटपुट रहता है वॉर्म गियर का उसको किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेट है वॉर्म गियर का जो कि मोटर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट है, पुली के थ्रू और वी वेल्ट के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि वॉर्म गियर काम किस प्रकार से करता है। देखिए, यहाँ पर रेशियो लिखा हुआ है 40:1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा इनपुट वाली जो शाफ्ट है वो 40 राउंड लेगी, तब उसके बाद में हमारी जो आउटपुट वाली शाफ्ट है वो 1 राउंड लेगी। तो इसी तरीके से वॉर्म गियर अलग अलग रेशियो में आते हैं, जैसे कि 20:1 का, 30:1 का, 40:1 का। तो इस प्रकार से वॉर्म गियर रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आउटपुट है। आउटपुट पर खास कर क्या होता है कि जंजीर लगी होती है, क्योंकि वहाँ पर लोड का काम रहता है, टॉर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार से ये इसका सेटअप रहता है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि हम इसके आरपीएम को कम ज़्यादा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर आप मार्केट में वॉर्म गियर लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको दो टाइप के वॉर्म गियर जनरली देखने को मिलेंगे। एक तो होते हैं कपलिंग वाले, मोटर कपलिंग वाले। उसमें क्या होता है कि मोटर की डायरेक्ट उसमें कपलिंग हो जाती है, उसमें बोल्ट होते हैं साइडों में लगे हुए, तो उसके थ्रू मोटर उसमें फिक्स हो जाती है और आउटपुट भी उसमें जो भी हम चला रहे हैं वो फिक्स हो जाता है। वहाँ पर वी वेल्ड का और चैन का कोई काम नहीं रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे टाइप के वॉर्म गियर होते हैं, उनमें दोनों इनपुट की और आउटपुट की शाफ्ट निकली हुई होती है। उस पर इनपुट पर हम वी वेल्ट लगा के और पुली के थ्रू मोटर से कनेक्ट करते हैं, और जो आउटपुट होता है वो चैन के थ्रू कनेक्ट करते तो हैं। अब इन दोनों टाइप के वॉर्म गियर को देखते हुए हमारे पास में आरपीएम कम ज़्यादा करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो पहला तरीका हो सकता है पहले वाले वॉर्म गियर को देखते हुए, जो जिसमें के मोटर की कपलिंग होती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे हम मोटर की स्पीड को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारी आउटपुट की स्पीड भी घटे बढ़ेगी, और मोटर की स्पीड हम घटा बढ़ा सकते हैं मोटर के आरपीएम को सेलेक्ट करके। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मार्केट में मोटर अलग अलग आरपीएम की आती है, जैसे कि 950 आरपीएम की आती है, 1440 आरपीएम की आती है, 2800 आरपीएम की आती है। तो चलिए इनको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर गेयर रेशियो ले लेता हूँ 40:1 का, और जो हमारी मोटर का आरपीएम है वो है 950 आरपीएम। तो हमारा जो आउटपुट आरपीएम आएगा 950/40, यानी कि हमारे जो आरपीएम आएंगे वो 23 आरपीएम हमें आउटपुट पे मिलेंगे। अब ये तो आरपीएम आ गए हमारे 950 आरपीएम की मोटर के हिसाब से। ऐसे ही अगर हम 1440 आरपीएम की मोटर लेते हैं तो उसको 40 से डिवाइड करके हमारे आउटपुट पर आएंगे 36 आरपीएम, और 2800 आरपीएम की अगर हम मोटर लेते हैं तो उसके आरपीएम आएंगे 70 आरपीएम। तो ये तो बात हो गई कपलिंग वाले गेयर बॉक्स के लिए। अब बात करते हैं जो शाफ्ट वाला गेयर बॉक्स होता है। देखिए, मैं आपको अगर प्रीफर आप करवाना चाहोगे तो मैं प्रीफर आपको शाफ्ट वाला ही गेयर बॉक्स करूँगा, क्योंकि उसमें ना ही तो हमको मोटर चेंज करनी होती है, सिर्फ हम पुली को चेंज करके उसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं इजीली। तो चलिए उसको समझते हैं अपने एग्जांपल के। तो यहाँ पर मैं गियर रेशियो ले रहा हूँ 40:1 का, और जो मोटर के आरपीएम है वो है 1440। अब देखिए, जब हम मोटर के द्वारा इसको चलाते हैं तो हम मोटर पर अलग इंच की पुली लगाएंगे, और जो हमारा गेयर बॉक्स का प्राइमरी जो शाफ्ट है जो कि मोटर से कनेक्ट होती है उस पर अलग इंच की पुली लगाएंगे। तो मान के चलो, हमने जो मोटर पर पुली लगा रखी है वो लगा रखी है 3 इंच की, और जो गियर की प्राइमरी सॉफ्टवेयर जो हमने पुली लगा रखी है वो लगा रखी है 4 इंच की। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा कि हमारा जो गियर बॉक्स है उसकी प्राइमरी सॉफ्टवेयर हमको कितने आरपीएम मिल रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी हमारी मोटर की स्पीड है उसको गुणा कर देना है जितने इंच की उस पर पुली लगी हुई है, और इन दोनों को डिवाइड कर देना है जितने इंच की पुली आउटपुट पे, यानी कि जो हमारा गेयर बॉक्स है उसके प्राइमरी शाफ्ट पे लगी हुई है। तो हमारे आरपीएम यहाँ पर आ जाएंगे 1080 आरपीएम। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो गेयर बॉक्स का रेशियो है वो 40:1 का है, तो इस 1080 जो हमारा आउटपुट आरपीएम जो आया है इसको डिवाइड कर देंगे हम 40 से, तो जो हमारा गेयर बॉक्स का आउटपुट आरपीएम है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 27 आरपीएम। अब फ्रेंड्स, ये हमारा 27 आरपीएम आया 1440 आरपीएम की मोटर को लगाकर। अब अगर हमको इसको घटाना है या बढ़ाना है तो वो किस प्रकार से करना है तो वो देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब आप मान के चलिए, हमको जो हमारा गेयर बॉक्स है उसके आरपीएम हमको घटाने हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो मोटर की पुली है उसको हमको 3 इंच की बजाय थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंच की वहाँ पर लगानी पड़ेगी, और जो हमारी आउटपुट पर पुली लगी हुई है यानी कि जो 4 इंच की, उसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। अब फिर हम दोबारा से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए, आज जब हम ये 2 इंच की पुली यहाँ पर मोटर पर लगा लेंगे तो जो गेयर बॉक्स है उसकी प्राइमरी शाफ्ट पर जो हमको आरपीएम मिलेंगे वो मिलेंगे 720 आरपीएम, ठीक है।
और जो हमारा गियर का आउटपुट आरपीएम रहेगा, तो आपको पता है 40 रेशियो का हमारा गियर बॉक्स है, तो 720 डिवाइड बाय 40 कर देंगे तो इस तरीके से हमको 18 आरपीएम गियर बॉक्स के आउटपुट पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो गियर बॉक्स है उसकी आउटपुट की स्पीड को आरपीएम घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे को ये इस टाइप का गियर बॉक्स ज़्यादा अच्छा लगता है कहीं पे भी इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करने के लिए और स्पीड को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।